प्रोड्यूसर्स वाकी और जहांगीर के बारे में, आज जब दोनों को मैंने सेट पे देखा है और दोनों की एक किस्म की सुलह करवाई है, दोनों मिले हैं साथ, अच्छी दोनों के व्यूज़ मैंने सुने हैं, बहुत अच्छा लगा है और दोनों बड़े हंसी खुशी गपशप कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। अस्सलामुअलैकुम नासिर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिन से मैं देख रहा था ये चैनल्स में खबरें आ रही थी कि मोहम्मद हुसैन सवाती और जहांगीर के दरमियान अल्फाजों की जंग जारी थी, बल्कि सवाती साहब ने ये चीज़ शुरू की थी, उसके बाद फिर जहांगीर साहब ने उसका जवाब दिया। आज 29 दिसंबर को एक पश्तो फिल्म के सेट पे मैं गया हूँ, तो जहाँ पे इतफाक से जहांगीर साहब और सवाती साहब दोनों आए हुए थे, तो दोनों की मैंने बातें सुनी। सवाती साहब बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, अच्छी बातें कर रहे थे, जहांगीर साहब भी अच्छी बातें कर रहे थे, दोनों अच्छे तरीके से मिले हैं, दोनों ने साथ में शूटिंग की है और दोनों ने बिल्कुल मेरे साथ खड़े हुए हैं, सुलह सफाई ये वो हर चीज़, कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों के दिल में कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों ने इस चीज़ को बनाने या हाईलाइट करने की कोशिश की है वो लोग भी आपके सामने हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली देखा जाए ना, ये बीइंग अ मुसलमान हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये बेसिकली सोच की इक्कासी करता है जो लोग ऐसे करते हैं और ऐसे नहीं करना चाहिए। आप मुझे बड़ा दुख हुआ था ईमान से, जब मैंने ये वीडियोज देखी थी इनके बारे में ना, मेरा वो पता था, मैं बड़ा परेशान होता था, लेकिन ये मैंने देखा है कि इनके दरमियान ऐसा कोई भी कोई नहीं। आज बहुत दोनों बहुत अच्छे तरीके से बड़ा यानी कि दोस्तों वाले अंदाज में बातचीत भी कर रहे थे और वो खड़े भी हुए थे, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं भी इनके साथ खड़ा हुआ था, इनकी बातें सुन रहा था, इनसे बात कर रहा था। तो असल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब अच्छा वक्त था तो इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया और इन दोनों की बड़ी पक्की दोस्ती देखी है मैंने फिल्मों में। और जैसा कि जहांगीर साहब ने कहा कि वो घर में उन्होंने इतना वक्त नहीं बिताया, बल्कि जितना उन्होंने सीरीज़ में काम किया था, उस सीरीज़ में स्वाती साहब दूसरे नंबर पे होते थे, तो दोनों की बड़ी पक्की यारी और दोस्ती थी। और आज देख के मुझे खुशी हुई है कि दोनों बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए और ऐसे ही हंसी खुशी के साथ ये लोग मज़ीद भी ऐसे काम करें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ। सलाम। इधर हो जा मोमेना, हट जा।